नमस्कार, खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर आसू के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं सत्ता पक्ष में प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया। आसू के विधायकों ने जाति जनगणना सुनिश्चित करने, ओबीसी को 27% आरक्षण देने, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने और ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण नीति लागू करने की मांग उठाई। आसू विधायक लंबोदर महतो ने कहा, मौजूदा सरकार पूरी तरह पिछड़ा विरोधी है, यह बातें स्पष्ट हो रही हैं। 16 मार्च को जो रोस्टर जारी हुआ है उसमें 7 जिलों का आरक्षण शून्य कर दिया गया, जबकि वहां पिछड़ी जाति के रहने वाले लोग हैं। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आज के इस प्रदर्शन को विधवा विलाप बताया। उन्होंने कहा, जब वो सरकार में थे उस वक्त तो आवाज नहीं आती थी, जब बाहरी यहाँ कब्जा कर रहे हूँ और इस वक्त ये सोए हुए थे, और आज जब हम राज्य के हित में काम कर रहे हैं तो ये विधवा विलाप कर रहे हैं। जिला स्तरीय जो रोस्टर के लिए सीधी नियुक्ति पर जो रोस्टर अभी 16 मार्च को सरकार जारी की है, इसमें राज्य के 7 जिलों में पिछड़ों का आरक्षण शून्य कर दिया गया, जबकि वहां पर पिछड़ी जाति के, अत्यंत पिछड़ी जाति के रहने वाले काफ़ी संख्या में लोग हैं। खूंटी, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, दुमका, इन जिलों में पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या काफ़ी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार जानबूझकर वहां के पिछड़ी जातियों के आरक्षण को जिला स्तरीय पदों पर बहाली के लिए पूरी तरह से शून्य कर दिया है। तो निश्चित रूप से इसी विषय को लेकर आज हम लोग यहां पर धरने पर हैं। ये राज्य स्तर के अनुसार हमारी जो सरकार है सभी जिलों में आरक्षण कर दिए, लेकिन 7 जिलों में नहीं है। उसमें से ये तो ओबीसी के लिए बहुत अन्याय किए हैं, जहाँ भाषा में हो चाहे किसी ये में, सभी चीज़ में इन्होंने किए हैं। तो और रामगढ़ जिले में जो है 19% ही आरक्षण ओबीसी को दिए गए, तो मैं सरकार से यही कहूँगी, मांग करूँगी कि 27% दिया जाए आरक्षण ओबीसी को। आंसू वाले बहुत इसी तरह की मांग करते रहते हैं। जब ये सरकार में जब गलबहियां करके सरकार चला रहे थे उस समय ये कोई इस तरह की मांग नहीं। जिस समय ये यूपी और बिहार के लोग यहां आकर और नौकरियों पर कब्जा जमा रहे थे उस समय ये पूरी तरह से आंख बंद करके सोए हुए थे, और जो भी नीतियां लागू होती थी उसका समर्थन करते थे, मिठाइयां बांटते थे। और आज हम जब झारखंडी हितों के लिए काम कर रहे हैं, झारखंड के यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों के हितों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये वजह विधवा विलाप। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई